हाय, नेल पॉलिश उतारने वाली हूँ अभी मैं। मुझे नहीं अच्छी लग रही है ये, थोड़ी ज्यादा ही गंदी हो गई है। मेहमान आए हमारे घर पे। क्या करने आए हो बताना जरा जरा। अभी मेरे को तो कुछ पता नहीं है, इन्होंने फोन किया, मैं तो भागी भागी। तेरा नंबर नंबर मेरे पास नंबर नहीं, नहीं यहाँ नहीं बताना नंबर नंबर। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज सुबह मैम मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, हाँ, मैं आपके घर पे आई भी थी, फिर गायब हो गई। मैं घर में ही नहीं थी, मैं कहाँ थी? कार्ड बांटने गए थे अपनी शादी के। वक्त की कल की बात है। हाँ, कल की, शायद मैं कल ही आई थी। कब आई थी? फीस देने। हाँ, मम्मी बता रहे थे। हाँ, मुझे फीस मिली। और आज मैम मैंने आपको सुबह फोन किया तो वो ना, पहले हमारे स्कूल में भी एक दीपिका मैम लगी हुई थी ना, तो वो अभी उन्होंने छोड़ दिया। मैंने उनको फोन किया, तभी मेरे को कोई कॉल नहीं आया। हाँ, तो मैम मैंने बोला हेलो मैम, आप तो मिलते मैम। आवाज़ नहीं पहचानी तूने मेरी। वही तो मैं बोल रही, मैंने सोचा मैम का गला खराब होगा। मतलब मेरी आवाज़ मुझे लगता है काफ़ी यूनिक है। नहीं मैम, मैं जैसे मेरी मम्मा ने भी पहले किया ना, तब भी मुझे लग रहा था अच्छा। सॉरी रॉन्ग नंबर। अच्छा, मैंने क्यों बुलाया आप लोगों को? वो करना है थोड़ा डेकोरेशन वाला काम जो है नी, हैंडमेड करना है, तो थोड़ा सा ना अलॉट कर देती हूँ। ठीक है ना, अभी रात पड़ गई, अभी आप बाजार नहीं जा सकते। ठीक है ना, हम लिखने आज लिस्ट बनाएंगे छोटी सी कि क्या क्या चाहिए कल। ठीक है, जैसे स्कूल से आओगे। आप नहीं जा सकते? नहीं, अब मैं थक गई हूँ। अब मैं बहुत, अभी आज भी मैं बहुत बाजार घूमी, अब मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, तो अब मुझे लगता है मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए, वरना जैसे कि आप देख रहे हो मेरी शक्ल की बहुत बुरी हालत हो चुकी है ना, और मैंने सर भी नहीं धोया हुआ फिर से डेढ़ हफ्ते से। तो मैं इनको काम बता लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। नेल पॉलिश रिमूव करेंगे, साथ में ही करेंगे, उसको देखना बड़ा मज़ा आएगा उसको। ठीक है, ये अभी भी इधर ही है। हैप्पी बर्थडे अद्विका, लास्ट वर्किंग डे। तो लिख देंगे मैम। हो गया। हाँ, फिर से लिखना है कि लास्ट वर्किंग डे। देखेंगे यार, ये देखते हैं, अभी बाद में डिसाइड करके आपको बताते हैं, थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद। बच्चे चले गए, मैं सोच रही हूँ ये रिमूव करने के लिए, है ना। चलो रिमूव करते हैं, अब बड़ा मज़ा आता है ऐसे रिमूव करते देखने का। देखना होगा तो देख लेना, नहीं देखना होगा तो स्किप कर देना। ठीक है, चलो चलो चलो, पहले मैं स्टैंड पे लगाऊंगी, उसके बाद ये रहा मेरा नेल रिमूवर, काम करेंगे तो ठीक है स्ट्रिप्स, है ना। दिखाऊं, ये देखो, हार्ड है, निकल जा यार। एक को इतना टाइम लगा रही है, फिर दूसरे को कितना लगाएगी। मैं चाय एडिक्ट हूँ पता है, ये देखो मैं चाय एडिक्ट हूँ, टी एडिक्ट पर्सन। निकल जा, अरे ये निकल ही नहीं रही है इससे। अयो ये बड़ा बेकार है। इस पे मैंने ना शिमर वाली कोटिंग लगाई थी, याद है आपको, अगर आपने देखी होगी तो वीडियो। इससे तो कुछ भी नहीं निकल रहा, पता है। मैं बाज़ार से और नेल पॉलिशेस लेकर आई थी, लेकिन वो लगाऊंगी नहीं, तो हम लोग रखेंगे थोड़े देर टाइम पहले बात के लिए। आज मैं उन्हीं में से ना एक कोई नेल पॉलिश ना अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मैं ज़रा ज़ोर लगाती हूँ उसको, तो ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा आगे करेंगे या फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, कोई चक्कर नहीं है। ये निकल गया, बड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा मुझे इसको निकालने के लिए। डबल कोटिंग का यही नुकसान होता है ना, डबल ट्रिपल कोटिंग का। कलर तो वैसे अच्छे निकले हैं ना, ऐसे नहीं निकलेंगे। अय्या, हार्ड है।
ये तो निकल ही नहीं रहा गोल्ड वाला, इसके ऊपर पता नहीं कितनी कोटिंग्स मारी मैंने, कितने मारे थे, तीन तीन कोट मारे थे मैंने इस पर। निकला निकला, जोर लगाना पड़ रहा है मेरे को इसके साथ, देखते कितनी स्टेप्स लगती हैं इसको। आज मैं ना एक ही कलर लगाऊंगी इसके ऊपर, उसी में से कोई लगाऊंगी, कौन सा लगाऊं, पर्पल वाइन रेड, रेड बाद में लगाऊंगी, वाइन लगाऊंगी सारे नोज उस पर सारे फिंगर्स पे, ठीक है, वाइन और गोल्डन का उसी के जो है ना क्या बोलते हैं उसका कॉम्बिनेशन लगाएंगे आज। या 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 आज मेरे को डेली ब्लॉग की जगह ना मुझे नेल आर्ट वीडियो डाल देना चाहिए, नाम नेल आर्ट है ना। ठहरो मैं पहले इसको साफ करती हूँ फिर आती हूँ, ठीक है। ये जो उस दिन मैंने कलर लाए थे ना, कलर मंगवाए थे, लाए नहीं थे मंगवाए थे, और इसमें कितने थे 12 कलर थे ना, आज हम लोग एक ही कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर नहीं अप्लाई करना मैंने, ये क्या है, सिंगल करके देखूँ कोट कैसा लगेगा। वैसे ये प्राइमर है पता, प्राइमर जो ऊपर लगाते हैं, प्राइमर नहीं सॉरी इसके ऊपर ना जो टैको मतलब यार उसका ना नेल मेनिया, मैं ये लगाना चाहती हूँ वाइन, ये कलर ना मैरून की तरह दिखता है, या फिर मैं नेल वाले जो नेल पेंट है मेरे वो मैं ट्राई करूँ, दिखाऊँ मैं नेल वाले जो नेल नेल पेंट जो नेल लाए थे मैंने तो मार्केट से लाए थे, ये 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 ऊपर लगाने के लिए, और एक मरून, ये मरून कलर का लाया मैंने, मरून है रेड कलर है आई थिंक, रेड कलर ये भी रेड है ना, पूरे ही रेड रेड लगा दूँ, या फिर ये सिल्वर है आई थिंक, सिल्वर आ गया, गलत कलर तो नहीं उठा के ले आई, या मुझे पिंक लगाना चाहिए, कौन सा लगाऊँ, ये नहीं लगाऊँगी नेक्स्ट टाइम लगाती हूँ इसको, इनमें से कोई कलर लग देती थी, पिंक हो गया वाइन हो गया, ये लगाऊँ क्या, ठीक है ये लगाती हूँ, इसके ऊपर ना उसकी ना वो भी लगा दूँगी, ठीक है ना, इसका काफ़ी लिक्विड ही टेक्सचर है, अब देखते हैं सूखने में कितना टाइम लगाता है इसको। ओह नाइस, उस दिन मेरे को लिक्विड ही टेक्सचर आ रहा था लेकिन आज बड़ा सुंदर लग रहा है। देखते हैं स्मेल बहुत गंदी होती है इनकी, मैंने ना स्किन पीछे नहीं की है इसको, पहले पीछे कर लेना चाहिए जब आप नेल पॉलिश लगाते हो ना, ये वाली स्किन होती नहीं इसको पीछे कर लेना चाहिए। नेल पॉलिश
मैं एक्चुअली ना परसों बैंगल सेरेमनी पे मैं ना वो लगाने वाली हूँ, कॉफ़ी कलर, मतलब मैरून कलर का एक लहंगा पहनने वाली हूँ। मैरून कलर की मैंने नेल पॉलिश लगाई नहीं है, तो आई थिंक वाइन चल जाएगा मेरा इसके साथ, कुछ भी मिसमैच करा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है ना। दो दिन पहले लगाने से ना नेल पॉलिश फ़ायदा पता क्या होता है, आपका जो साइड वाला है ना, ये जो साइड पे एक्स्ट्रा लगते हैं ना, ये निकल जाते हैं, इसलिए मैं पूरा ही कवर कर देती हूँ। ये देखना कल तक ना हो जाएंगे, निकल जाएंगे। हालांकि मैं अभी भी साफ़ कर दूँगी, आपको लग रहा होगा कि मैं कितने गंदे से पेंट कर रही हूँ। चलो मैं ये निकाल ही देती हूँ, वैसे मैं ब्रश के साथ इसको साफ़ कर सकती थी, है ना, ये रिमूवर पड़ा हुआ ना, इसको मैं गीले गीले सूखे सूखे पे मार सकती हूँ इसको मैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी मार दूँगी। अच्छा मेरी इंडेक्स रह गई, मेरी छोटी वाली रह गई है, वाओ वो वो मेरे नेल देखे कितने गॉर्जियस है, अपना ही नेल लगा दिया मैंने, मेरी अपनी नज़र मुझे बड़ी जल्दी लग जाती है यार, मेरी चाय ठंडी हो रही है। ठीक है ना, एक कोट और, टू कोट्स अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। मेन फिंगर्स इसके ऊपर भी टू कोट्स अप्लाई कर देता हूँ मैं, ओके। राइट सो है ना सुंदर है कि नहीं। मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ अपनी, तब तक के लिए मैं पॉज कर रही हूँ। आप इसका क्लोज लुक देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी ये सूखेगा, मैं इसके ऊपर वो लगाना है मैंने, ठीक है, तब तक के लिए वेट कर लेते हैं, मेरे को कोई सुखाने वाली मशीन नहीं है मेरे पास। चलो दूसरे हाथ पे भी अप्लाई करते हैं। मैं सोच रही हूँ ख़राब ना हो जाए ये, दूसरे हाथ पे ना अप्लाई करना सबसे मुश्किल होता है। ये अप्लाई हो गया ना सारी जगह अच्छे से, है ना, खुद भी फैल गया थोड़ा थोड़ा, नॉट बैड, दोनों हाथ पे मस्त लगेंगे। चलो आज मैंने इस हाथ पे भी थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ थोड़ा ना अपने हाथों को थोड़ा बेटर करती हूँ। मुझे लगता है मेरे नाखूनों में से ना सिर्फ ये वाला नाखून है जो थोड़ा ना वो है, अच्छा नहीं लगता मुझे। ये है जो राइट हैंड साइड वाली फिंगर है ना, उसका नहीं लगे। चलो जो भी है, हाँ।
ये वाला ना प्यारा है, ये है ना, ये वाला नील राइट हैंड पे ना गंदा लग रहा है मेरे से ना, अच्छे से नहीं लग रही, इतनी सफाई से नहीं लग रहा जितना ना लेफ्ट हैंड पे लगा था। क्या करें बेचारी, अभी मैंने फुट पे भी मैंने साफ़ करनी है नेल पॉलिश, फुट वाली भी साफ़ करनी है मैंने। क्या करें, संडे को शादी है, मूरा आगे कवर करने के लिए ना, इसके ना ब्रश अच्छे नहीं है, कलर मुझे ठीक ही लगे, नॉर्मल लगे, लेकिन इसके ना ब्रशेज इन्होंने अच्छे से नहीं दिए, ब्रश नहीं है इतने अच्छे, ब्रश पे मुझे मज़ा नहीं आया। वो मेरे देखो, मेरे मेरे जो नाखून है ना वो सी शेप है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेरे नेल जो है ना लंबे कर्वी हैं, ये देखना, ये देखो सी शेप होता है ना, सी शेप, फ्लैट नहीं है मेरे, मेरे नू मेरे जो नेल्स हैं वो कर्व है, कर्वी हैं, तो यहाँ पे कर्व के ऊपर लगाना ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ ऐसे नेल ही मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ज़रा मैं इसे साइड पे साफ़ कर लेती हूँ, है ना, इससे इससे साफ़ कर देती हूँ, वैसे तो हो ही जाता खुद ही, अब दोनों हाथों पे ना जब तक सूखेगा नहीं ना, ये देखना तब तक ना, चलो सूख जाएगा उसके बाद देखती हूँ, तो चलो सूखने देते हैं फिर आती हूँ। क्या लग रहा है, कौन से हाथ के नेल ज़्यादा प्यारे हैं, राइट और लेफ्ट, राइट ना, राइट राइट राइट, लेफ्ट के ज़्यादा साफ लगे नहीं ना, इसलिए आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, क्लीन करना पड़ेगा, मैंने डबल कोट किया है जिसके ऊपर शाइनर मारनी है, अभी सूखे नहीं है यार, सूखेंगे ना फिर मारती हूँ, मैंने सेम कलर लगाया, वाइन 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 नेल पे वाइन कलर लगाया आज मैंने, प्यारा है ना, इसको साइड से साफ करती हूँ फिर आती हूँ। चलो यार लगाते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कैसी लगती है कोट इसके ऊपर, सूखता है या नहीं कोट से जल्दी, कोट से ना थोड़ी देर ज़्यादा देर तक टिक जाएगा ये, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी ना, ऐसी हाथ थिक सी है, देखते हैं थोड़ा ना, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर लगाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ यहाँ लगाना चाहती थी, ओके इसको मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, पता नहीं क्या बना रही हूँ मैं, कुछ तो बना रही हूँ, इसको नीचे से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है ना, पता नहीं क्या किया मैंने इसको, यहाँ नीचे ज़्यादा लगाना था ऊपर कम, लेट्स सी क्या बनता है, चलो कर ही दिया, Thank you.
पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन लगाई जा रही हूँ। कैसा नाइस ना, इनके ऊपर मैं पूरा कोट कर रही हूँ। इस पे मैं पूरा कोट कर रही हूँ, ठीक है ना। स्टार्स ग्लिटर होने चाहिए ना, तभी तो आएगा मज़ा लगाने का। ठाको 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 ग्लिटरी ठाको, मज़ा आ रहा है ग्लिटर लगाने का इसके ऊपर। स्टार्स तो रही है इसके ऊपर, आगे वाला निकल गया नेल पॉलिश मेरी। ओए माय, देखा कैसे शाइन कर रहे हैं, देखा। जब इतने कोट्स लगाते हैं ना बेटा, उतारने में भी बहुत टाइम लगता है उसको। लगा तो लिया, अब उतारने में देखना मेरे को घंटा डेढ़ घंटा लगेगा। ओ गॉड, देखो It's beautiful. दिखाऊं? Oh God. फ्रंट कैमरा से इतना अच्छा नहीं आता जितना बैक कैमरा से आता है, है ना? वाइन कलर सही लग रहा है ना, है ना? सही है ना, फ्रंट से नहीं आता है, बैक से आता है। बैक से कितना सही व्यू हो रहा है। ओहो, बैक है ना ब्यूटीफुल ना। ये देखो थोड़ा साइड साइड पे लगा हुआ है, लेकिन कल तक साफ हो जाएगा, कल दिखाऊंगी आपको। बट इसको मैंने पूरा ग्लिटर ग्लिटर कर दिया, मस्त लग रही है ना। मैं मेकअप नहीं किया हुआ, मैंने बिना मेकअप के आपको मैं थोड़ा, मुझे दोनों हाथ फिंगर्स दिखाने में मुझे मज़ा आएगा कि देखो मैंने अभी नेल पॉलिश लगाई है। हार्ट, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, नेल पॉलिश लगा ली है ना, आज का ब्लॉग काफ़ी है। कल मैंने नहीं डाला था, कल देखूँगी कुछ और, ठीक है ना। आज मैं पूरा दिन घूमी, कल कुछ और दिखाऊंगी। आज बच्चे आए थे, बच्चे मिले बच्चों से, हैं गत्ते रखे हैं, और उसका कुछ बनाना है, थोड़ा क्राफ्ट का कार्ड पूछ, ठीक है ना। बाकी देखेंगे। अच्छा, मेरी दर्द थोड़ी कम हो गई है अब नोज़ पे ना, दर्द कम हो गई है मेरी। तो थैंक यू दिव्या ने बहुत अच्छा सा एक आइडिया दिया था मेरे को कि मस्टर्ड ऑयल गर्म करके लगाओ, फ़र्क पड़ गया मेरे को। और सब कह रहे हैं मैंने नाक थोड़ा आगे सिलवा दिया है, तो भाई अब क्या करूँ मैं। आई थिंक मुझे फिर से बंद करके फिर से सिलवाने का टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो देखूंगी कभी और, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा। सी यू टाटा, सायोनारा। प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, कुछ नहीं जाता आपके, कोई पैसे नहीं लगते। एंड कमेंट करना, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप हो, आप देख रहे हो, है ना। अभी शादी ब्लॉग्स भी देखने हैं टाइम मिला तो, ठीक है ना, बना दूंगी थोड़े थोड़े तो बना ही दूंगी, ज़्यादा नहीं तो। एंड और क्या, सब्सक्राइब है ना एंड शेयर, ओके बाय बाय। ऐसी हालत में मैं आपको सब्सक्राइब एंड शेयर बोल रही हूँ, लेकिन क्या करें आप, अब मैं जुड़ा भी नहीं कर पाऊँगी, मेरी नेल पॉलिश लगी है, ख़राब हो जाएगा, है ना। बाय बाय।